हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। ओला और उबर आने के बाद एसी कैब्स की आदत तो हमें पड़ चुकी है, लेकिन अगर आपके पास एसी ऑटो रिक्शा हो तो ये क्या कमाल की बात होगी। और ये जो आपके सामने आप देख रहे हैं, ये ओएसएम यानी ओमेगा सी की मोबिलिटी की पहली इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनड ऑटो रिक्शा है। ये देखने में काफ़ी स्टाइलिश है, इसमें कुछ फीचर्स जो है ये बहुत अच्छे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये फुल्ली इलेक्ट्रिक है दोस्तों, और आप देख सकते हैं इसका शेप जो है ये भी बहुत ही यूनिक है। जो ग्लास एरिया इसका देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल बहुत ही मॉडर्न लग रहा है, बहुत ही वाइट ग्लास एरिया है ये। ये इसके हेडलाइट्स जो है एलईडी के है, और इसका जो नाम है ये है L5M म्यूस। अंदर से आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको पीछे का दिखा देता हूँ। ये इस तरह से नजर आती है, बहुत ही स्टाइलिश वे में बनी है। ये प्रोटोटाइप है एक्चुअली, और ये प्रोडक्शन में कुछ महीनों बाद आ जाएगी और मार्केट में भी अवेलेबल होगी। बूट स्पेस जो है इसमें आपको 200 लीटर्स का मिलता है, और इस तरह से ये ओपन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हैंडल बार है, यहाँ पे टच स्क्रीन लगा हुआ है, यहाँ पे मोबाइल होल्डर और वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे गियर सिलेक्टर है, और यहाँ पे नीचे कंट्रोल्स हैं, की के हैं, वाइपर के कंट्रोल्स हैं, एयर कंडीशनिंग का कंट्रोल। वेरी वेरी यूनिक थिंग एक ऑटो रिक्शा में एयर कंडीशनिंग। और ये ड्राइवर की सिंगल सीट है, और पीछे अगर हम देखें तो ये पैसेंजर की सीट है, काफी वाइड है, तो इसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। अब इसके स्पेक्स क्या हैं मैं आपको बता देता हूं, एक नजर डालते हैं इसके स्पेक्स पे। ये देख लीजिए, सो बेसिकली टॉप स्पीड जो है इसकी 50 किलोमीटर की है, और जो रेंज है इसका ये 100 किलोमीटर्स का है, सिंगल चार्ज में 100 किलोमीटर्स ये जाएगी एक्चुअल, यानी आप रोड पे जब चलाएं, एक्चुअली जो टेस्ट फिगर्स है ये 150 किलोमीटर के हैं। NMC केमिस्ट्री बैटरी है इसमें, और ऑफ कोर्स ये ट्रांसमिशन जो है ऑटोमेटिक है इसका। तो ये आप सोच रहे होंगे कि एसी ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक है तो प्राइस क्या होगी, तो प्राइस भी इसकी इंडिकेटिव जो है अराउंड 4 लाख की पड़ेगी। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और क्राउडेड सिटीज़ में अगर आप कार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसी भी रिक्शा खरीद सकते हैं, और एक शोफर या एक ड्राइवर रख सकते हैं, एंड यू कैन ट्रैवल, शुडंट बी अ प्रॉब्लम। तो ये देखने में तो काफ़ी स्टाइलिश है, 3-व्हीलर है, 4-डोर है, इलेक्ट्रिक है, और एयर कंडीशन्ड भी है। सो ये इसकी ख़ास बात है म्यूज की। इसका बूट इस तरह से रिलीज होता है, यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिल जाता है 200 लीटर्स का, और यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो स्पेयर व्हील है अंदर रखा हुआ है, बैटरी जो है ये नीचे की तरफ लगी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इसमें नज़र आएगी कि इसके जो रियर व्यू मिरर्स हैं वो देखिए किस तरह से बड़े हैं। जो स्टॉक है ये बहुत ही बड़ा है इसका, और बड़े साइज़ के मिरर हैं, जिस तरह से आपने लग्जरी बसेस में देखे होंगे ये उस तरह के मिरर्स हैं। दे लुक लाइक ईयर्स ऑल्सो, एक रैबिट के कान की तरह लगते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है। मुझे इसकी डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, आपको कैसी लग रही है डिज़ाइन हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब पीछे ये काफ़ी स्पेशियस है, मैंने आपको बताया है, एंड एक बार देख लेते हैं कि अगर आपको इसमें अंदर घुसना है, इंग्रेस करना है, तो किस तरह से ये आप इसमें बैठ सकते हैं। एसी के वेंट्स यहाँ पे ऊपर दिए हुए हैं,
यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है बेसिकली, ये थोड़ा सा हो सकता है और इम्प्रूवमेंट आगे चलते हैं, बट तीन लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी वाइड है और यहाँ पे लेग रूम की कोई कमी नहीं है, आप पैर फैला के बैठ सकते हैं आराम से। और एक खास बात है, यहाँ पे आपको एक कॉस्मिक रूफ मिलेगा, सनरूफ नहीं है बल्कि एक कॉस्मिक रूफ है, बस एक ग्लास है तो आप ऊपर भी देख सकते हैं। एंड ऑफकोर्स मेरे ख्याल से प्रोडक्शन में एक पर्दा या एक कर्टन भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। चढ़ना उतरना थोड़ा सा कंबसम है, लेकिन ये एक एसी ऑटो रिक्शा है और ये इसकी खास बात है। तो कमेंट्स में बताइए दोस्तों कि आपको ये इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन्ड ऑटो रिक्शा कैसी लग रही है। इसका नाम है म्यूस और ये आती है ओएसएम यानी ओमेगा सिटी मोबिलिटी की तरफ से, और कुछ महीनों में कंपनी का कहना है कि ये लॉन्च भी हो जाएगी, और जैसे मैंने कहा कि अराउंड 4 लाख रुपीस इसकी प्राइस होगी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इसे ख़रीदना चाहेंगे या फिर क्या आप इसमें ट्रैवल करना चाहेंगे, सफ़र करना चाहेंगे, ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।